एफसीआई गोदाम मोरिंडा में ऑल इंडिया एफसीआई के यूनियन के प्रधान तरुणीक पासवान की अध्यक्षता में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तरुणीक पासवान ने यूनियन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशंस को जल्द लागू करवाने और कर्मचारियों के वेतन संबंधी उनके द्वारा सरकार से बात की जाएगी और जल्द ही कर्मचारियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली हर प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। आप लोग के बीच में बताना चाहता हूं, मैं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूं। मैं मजदूरों की 18 सालों से लगातार जो है कि लड़ाई लड़ते आया हूं। इन मजदूरों के लिए मैंने समान काम की समान वेतन के लिए ऑर्डर 3/9/2002 में कराया है कि सारे मजदूरों को समान काम की समान वेतन मिलनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने भारत सरकार में दो बात रखी थी कि समान काम के समान वेतन के साथ साथ इन जगहों पर ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो जानी चाहिए और सारे मजदूर जितने भी हैं, जब रेगुलर नेचर का काम है तो सारे वर्कर परमानेंट होनी चाहिए, जिसकी नोटिफिकेशन 23/4/2010 के अब्लिक 7/11/2011 का हुआ। इसको एफसीआई ने इम्प्लीमेंट नहीं करके गलत ढंग से मजदूरों को जो है कि काफ़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड के आधार पर 20-25 मजदूर पूरे देश में जो है कि मजदूरों की दिखाई जाती है, जबकि सारे अवैध रूप से काम करवाने का काम कर रहे हैं।